फाइव स्टार किचन में आपका स्वागत है। आज आपको मैगी बटेटो बनाना सिखा रहे हैं। पहले हम आलू को ये क्यूब काट रखा है, इधर है। अब इसके लिए हम तेल डालेंगे कढ़ाई में और इसे हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया, हम इसे फ्राई करेंगे। मैगी पोटैटो के लिए अब इसे हम ब्राउन होने तक कर लेंगे। मैगी पोटैटो के लिए हमारा ये आलू ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। मैगी को बॉयल करेंगे। हमने दो गिलास पानी डाल दिया, दो से ढाई गिलास पानी डालेंगे। जैसे पानी उबल जाएगा तो हम इसमें मैगी डालेंगे। ये हमारा अच्छे से बॉयल हो गया, अब इसमें हम मैगी डालेंगे। अब हमने मैगी डाल दिया, अच्छे से बॉईल करेंगे। 10-5 मिनट हम पकाएंगे जो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो बॉईल करा है इसे, अब हम इसे निकालेंगे और इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे, मैगी का, बटेटो मैगी। बहुत ही स्वादिष्ट होता है बटेटो मैगी, इसलिए मैं आपको बनाना सिखा रहे हैं। तेल डाल रहे हैं, के लिए हमने ये मटर लिया है, प्याज है, टमाटर है, धनिया है और 1 चम्मच ये मैगी मसाला है और 2 से 3 हरी मिर्च है। ये हमने नमक ले रखा है, हो चुका है। पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। इसी के साथ में हम मटर भी डाल देंगे। मटर प्याज को थोड़ी देर भूनना है, इसे भून जाए। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसमें हम टमाटर डाल देंगे। फिर हमने इसमें टमाटर डाल दिया। अब इसमें हम मिर्ची डाल रहे हैं, 3 से 4 मिर्च है यो। मैगी मसाला 1 चम्मच है। इसमें इतना हम नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक डालिए। अभी से हम अच्छी तरह से भुनेंगे। अब इसे हम मसाले में डालेंगे। इस आलू को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर से 5 मिनट तक थोड़ा भून दें, उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा।
अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, अब इसमें हम मैगी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये तैयार हो गया है, अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। ये हमने प्लेट में निकाल लिया। थोड़ा प्याज स्लाइस लगा दें, ये हमारा पोटैटो मैगी तैयार हो गया है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी जरूर दबाएं।